जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल जेई मेंस में कुछ इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, जिनका आंसर इंटीजर में आता है। तो वैसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है अ पार्टिकल हैविंग मास 1 kg स्लाइस डाउन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक AOC। देखेंगे यहाँ पर एक ट्रैक दिखाया गया है A, ये है पॉइंट O और ये है C, ऐसे आता है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट ए पॉइंट A विच हैज हाइट 2 meter, पॉइंट A का हाइट 2 meter दिया गया है, वहाँ से उसका मोशन जो है स्टार्ट होता है। आफ्टर रीचिंग पॉइंट C द पार्टिकल कंटिन्यूअस टू मूव फ्रीली इन एयर एज ए प्रोजेक्टाइल, वेन इट रीचेज हाइएस्ट पॉइंट P हैविंग हाइट 1 meter द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, है ना, काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल का पता करना है जब ये हाइएस्ट पॉइंट पर होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। पार्टिकल को यहाँ से रिलीज किया गया है, ये ऐसे ट्रैक से होता हुआ जाता है, जब यहाँ पर आएगा तो इसको कुछ वेलोसिटी मिलेगी जिसकी वजह से ये प्रोजेक्टाइल जैसे जाएगा ऐसे आकर नीचे गिरेगा, तो ये इसका हाइएस्ट पॉइंट है। हाइएस्ट पॉइंट का जो हाइट है वो है 1 meter। तो हम लोग सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। ठीक, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि रेफरेंस लाइन यहाँ पर लेते हैं, जो ग्राउंड है पॉइंट ओ वाला लाइन, इसको हम लोग रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो था वो था 0, क्योंकि वहाँ से रिलीज किया गया था रेस्ट से। पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर लिखेंगे एम जी इंटू एच, एच है 2 meter यहाँ पर। इसके बाद जब पॉइंट पी पर पहुँचेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो सपोज पी लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी ही पूछा गया है, और पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर आएगा एम जी इंटू हाइट 1 meter, है ना। तो पॉइंट पी पर जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आएगा वो आएगा एम जी 2-1, यानी कि एम जी इंटू 1। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में मास दिया गया है 1 kg, है ना, मास दिया गया है 1 kg, जी का वैल्यू 10 m/s² दिया गया है, ये हो गया 1, तो ये आ जाएगा 10 joule, है ना। तो ये इंटीजर वैल्यू है 10 joule जो कि पूछा गया है क्वेश्चन में।